चापा के सिवनी शराब दुकान में दो सुरक्षा कर्मियों की हत्या का मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। यही वजह है कि पुलिस अब दूसरों को निशाना बनाने में लगी हुई है। जिस शराब दुकान में हत्या की वारदात हुई थी, उस दुकान के सेल्समैन के परिजनों ने एसपी से शिकायत कर स्थानीय पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाने के साथ ही हत्याकांड का अपराध कुबूलने का अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है। वहाँ 4-5 की रात को दो गार्डों की हत्या हुई थी, जिसमें पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा दो बार बुलाया गया। 21 तारीख को पुलिस द्वारा बुला के पूछताछ के दौरान मारपीट किया गया, थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, प्राइवेट पार्ट में करंट छुआया गया, पीछे कंधे पे हाथ पे करंट छुआया गया, पट्टे से मारा। उसके बाद कल दिनांक 28/11/2023 को शाम को 8:30 बजे आए। उसके बाद वो जो हत्या किया था, सेम उलिया वाला कपड़ा लेके आए, मेरे को पहनाया गया जबरन, और उसके जैसे डेमो करने के लिए बोला, पुलिस के द्वारा डेमो करने, जो हत्या हुआ था उसके जैसे डेमो करने के लिए बोला गया। डेमो करने के बाद मेरा फुटेज बनाया गया। फुटेज बनाने के बाद मेरे को फोर्स किया गया, प्रताड़ित किया गया कि तू कबूल ले, तू ही है बोल के, तेरा नाम नहीं बताएंगे बोले, और जबरन का फोर्स कर रहे हैं कि तू कबूल ले बोल के। तो अभी कहाँ आए हैं? अभी हम लोग एसपी ऑफिस आए थे, सर को आवेदन दिए हैं कि 4 या 5 की रात को सिवनी दारू भट्टी में डबल हत्याकांड हुआ था, और उसमें मेरे भाई को एक बार थाना बुलाया गया पूछताछ के लिए, उसके बाद छोड़ दिया गया। दोबारा फिर थाना में सुबह 10 बजे बुला के रात 10 बजे छोड़े हैं, जिसमें पुलिस द्वारा मारपीट किया गया है, जिसका हम अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखे हैं, और क्या बोलते हैं, मारपीट कर करके वो वापस थाना लेके हॉस्पिटल लेके गए हैं, और डॉक्टर से मुलाजा करवाए हैं, और पुलिस वाले ये लिखे हैं कि आते जाते यदि तेरे को कुछ होगा तो उसकी हमारी जवाबदारी नहीं है, कोई थाना में तेरा शिकायत दर्ज किया नहीं जाएगा, स्वयं जवाबदार रहेगा बोल के। और मेरे भाई को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस द्वारा, मारपीट कर